हे एवरी वन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेज। गाइज, आज हम करने वाले हैं कि नोबल क्या होता है, यू नो, और इसके करैक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो यहाँ पे लिखा है नोवल, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है नोवल की। अ नोवल इज, सबसे पहले नोवल को हम हिंदी में कहते हैं उपन्यास, ठीक है। अ नोवल इज अ नरेटिव वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंस ओवर अ कंसीडरेबल लेंथ। यानी कि उपन्यास, एक नोवल जो है वो हम उपन्यास को कहते हैं। ये एक नरेटिव वर्क है जो कि लिखा जाता है प्रोज में, मतलब पैराग्राफ में, गद्यांश में लिखा जाता है। और ये जो है ये स्टोरी को टेल करता है, किसी भी मतलब स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, यानी कोई भी एक्सपीरियंस, कोई ह्यूमन का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस उसने फील किया है तो वो एक नोवल लिखता है, उपन्यास लिखता है, ठीक है। तो वो स्टोरी को टेल करता है, एक तरीके की स्टोरी बुक कह सकते हैं, उपन्यास उस तरीके का होता है। ओवर अ कंसीडरेबल लेंथ, लेकिन इसका अंदर जो है लेंथ ही होता है, क्योंकि हम कोई भी कहानी होता है, कोई भी एक्सपीरियंस होता है तो छोटा सा नहीं होता। हम एक्सपीरियंस का मतलब ही होता है, देखो जब हम किसी टीचर इंटरव्यू में जाते हैं हम क्या बोलते हैं, हमको इतने साल का एक्सपीरियंस है। हम ये नहीं ना कहते हमको एक महीने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर एक महीने का है तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। तो ये एक तरीके का नोवल एक एक्सपीरियंस को शो करता है, एक स्टोरी के एक्सपीरियंस को शो करता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये लेंथी होगा, इसके अंदर लेंथ यानी कि इसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्रोज स्टाइल एंड लेंथ एज वेल एज फ्रिक्शनल और सेमी फ्रिक्शनल सब्जेक्ट मैटर आर द मोस्ट क्लियरली डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नोवल। एक तरीके का इसका लेंथ ही होना जो है इसका एक मोस्ट करेक्टरिस्टिक है, इसका एक विशेषता है। अनलाइक वर्क सो एपिक पोएट्री इट टेल्स इट्स स्टोरी यूजिंग प्रोज रैदर देन वर्ड्स। यानी कि एक तरीके की लाइन बाई लाइन ये पोएट्री की तरह नहीं होता, छोटा छोटा, ये एक तरीके का प्रोज यानी कि एक बड़े बड़े गद्यांश की तरह होता है, पैसेज की तरह, पैराग्राफ्स की तरह होता है, ठीक है। और ये जो है एक तरीके का लेंथी होता है, जो कि मैंने बताया आपको। देर आर हाउ एवर अदर करेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट डैट सेट द नोवल अपार्ट एज ए पर्टिकुलर लिटरेरी फॉर्म, ठीक है। तो इसके अलग ये नोवल का जो है एक तरीके का विशेषता ही है कि ये लेंथी होता है। तो आगे भी हम इसके बहुत सारी विशेषताएँ पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो मैंने आपको बताया। अब नोवेल्स जो हैं ऐसे तो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं अगर हम डिस्कस करें तो, लेकिन यहाँ पे हम कुछ टाइप्स की बात करते हैं। सो नोवेल जो है एक नोवेल होता है रियलिस्टिक नोवेल। अ फिक्शनल अटेम्प्ट टू गिव द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म, दिस शॉर्ट ऑफ नोवेल इज समथिंग कॉल्ड अ नोवेल ऑफ मैनर। अ रियलिस्टिक नोवेल कैन बी करेक्टराइज्ड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स करेक्टर विद मिक्स्ड मोटिव दैट आर रूटेड इन सोशल क्लास एंड ऑपरेट अकॉर्डिंग टू हाईली डेवलप्ड सोशल स्ट्रक्चर। द करेक्टर इन रियलिस्टिक नोवेल इंटरेक्ट विद अदर्स। हाँ, तो अब क्या बोला गया है, ये जो रियलिस्टिक नोवेल है, अगर बात करें रियलिस्टिक नोवेल की तो ये रियल चीज़ों के ऊपर है, यानी कि जो जो चीज़ें रियल होती है ना, और रियल एक्सपीरियंस को जो लिखता है कोई भी पर्सन, रियल, ठीक है, कोई फेक नहीं होता उसमें, रियल चीज़ों के ऊपर जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं ये वाला रियलिस्टिक नोवेल, ठीक है। वो करेक्टर को शो करता है, एवरीडे एक्सपीरियंस को उसमें दर्शाता है। इसे कुछ एग्जाम्पल लाइक 13 रीजन वाई बाय जो किसी ने लिखा है, जे अशर ने, लुकिंग फॉर अलास्का बाय जॉन ग्रीन ने, तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल है। ये नोवल का नेम है और किसने लिखा है वो है, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड टाइप है वो है पिकारिस्क नोवल। अ पिकारिस्क नोवल रिलेट द एडवेंचर्स ऑफ एन असेंट्रिक, असेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, ठीक है, हीरो इन एपिसोडिक फॉर्म। ये एक एपिसोड के फॉर्म में आता है, ठीक है, जैसे कि एक नोवेल आया अभी, उसके बाद आगे का पार्ट आप आगे देखो, इस तरीके से ये एपिसोड वाइज होता है, ठीक है। द जैनर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो और ये जो रोग्यू है ना, इस तरीके से ये दो वर्ड से लेकर बना हुआ है, स्पेनिश वर्ड है ये, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही है। इसके बाद जो है हम नोवेल्स का जो टाइप्स है ना, लाइक रियलिस्टिक नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल, पिकारिस्क नोवेल, ये सब जो नोवेल है ना, हम इसका इंडिविजुअल वीडियो भी बनाएंगे ताकि, क्योंकि ये भी आते हैं एग्जाम में। तो फिलहाल मैं छोटे छोटे आपको टाइप्स बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको आया कि नोवेल के बारे में बताइए, सिर्फ एक नोवेल क्या होता है ये बताइए, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि नोवेल क्या होता है, फिर ना हम टाइप्स के बारे में जानेंगे। जब हम खाने के बारे में जानेंगे तब ना उसके मसालों के बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है, ये कब लिखा गया, ये भी इसका यहाँ पे लिखा गया है आपका, लाइक रुडियार्ड किपलिंग स्कीम 1901 में, अ फोल्डिंग 1749 में। अब इस तरीके से हमारा हिस्टोरिकल नोवेल है। अब हिस्टोरिकल तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ हिस्ट्री हिस्टोरिकल चीज़ होगी इसके अंदर, यानी कि ऐतिहासिक चीज़ें होंगी। यार हिस्टोरिकल नोवेल इज अ नोवेल सेट इन अ पीरियड अर्लियर देन डैट ऑफ दिस राइटिंग। तो ये अर्लियर चीज़ों के बारे में इसमें, इस नोवेल में लिखा होता है, पुरानी चीज़ों के बारे में, ये भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और किसने लिखा है, लाइक ये जो है, ये जो हमारा नोवेल का नेम है, और चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है ए टेल्स ऑफ टू सिटीज, ये सब
नेम है और इस तरीके से जो यू नो किसने लिखा है, ये एग्जांपल्स है। तो सबसे पहले जो हमने ऊपर पढ़ा वो हमारा पिकार नोवेल था, देन ये हमारा हिस्टोरिकल है, उससे पहले हमने रियलिस्टिक, सबका एग्जांपल्स भी मैंने छोटे छोटे एक एक दो दो दे दिए हैं, ठीक है। अब है हमारा गोथिक नोवेल। तो गोथिक नोवेल इंक्लूड्स टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनेचुरल, डूम, डेथ, डिके, ओल्ड हंटेड बिल्डिंग विद गोस्ट एंड सो ऑन। तो अब ये जो हमारा गोथिक नोवेल है इसके अंदर टेरर होता है, यानी टेररिज्म होता है, अब कुछ मिस्ट्री रहस्यमय चीज़ें होती हैं, हॉरर होता है, डरावना, भूतिया, है ना, ये सब यहाँ पे देखो, हंटेड होता है, ओल्ड हंटेड बिल्डिंग, पुरानी जो हमारी भूतिया बिल्डिंग्स बनी होती है, गोस्ट के ऊपर होता है, भूत के ऊपर होता है। तो ये सब जो गोथिक नोवेल, अगर आपको कुछ भूतिया चीज़ें पढ़नी हो, मिस्ट्रियस चीज़ें पढ़नी हो, तो आप इस टाइप की नोवेल पढ़ेंगे। आप एग्जाम्पल है गोथिक नोवेल का, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मैरी शैले, फ्रैंकस्टीन एंड द कैस्टल ऑफ ओट्रेंटो बाय हॉरेंस वेलपोल, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। ऑटोबायोग्राफी हमको पहले ही हमने पढ़ी हुई है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो चीज़ मतलब इंसान खुद अपने लिए लिखता है, यानी कि जो अपनी जीवनी के बारे में स्वयं लिखता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जो कोई और लिखता है वो होती है बायोग्राफी। जैसे कि हम किसी और के लिए लिख रहे हैं तो वो हमारी बायोग्राफी होती है, वो किसी और के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो वो उसकी हम बायोग्राफी लिख रहे हैं। वो इंसान अगर अपना जीवनी खुद लिखे तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सो अगर अपने बारे में हम किसी नॉवल में लिखते हैं तो अपने मतलब लाइफ ऑफ द ऑथर, किसी ऑथर की लाइफ, उसने अपनी लाइफ खुद लिखी है तो उस वो जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल में आता है। जैसे कि यहाँ पे भी उसके भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस का है, ठीक है। अब सिक्स नंबर पे चलते हैं। सिक्स नंबर है हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्साइंसियसनेस नॉवल और साइकोलॉजिकल नॉवल। साइकोलॉजिकल नॉवल्स आर वर्क ऑफ फिक्शन दैट ट्रीट द इंटरनल लाइफ ऑफ द of the protagonist or several or all character as much as if not were then the external forces that make up the plot. The phrase stream of consciousness was coined by William James in the Principle of Psychology 1890 to describe the flow of thought of the working mind. यानी कि साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक उपन्यास काल्पनिक रचनाएं हैं जो नायक यानी प्रोटैगनिस्ट के आंतरिक यानी इंटरनल जीवन का उतना ही बाहरी ताकतों का वर्णन करती है जो कथानक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है द फ्रेज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्वेंस वो क्वाइंड बाय, किसके द्वारा ये क्वाइंड किया गया है? विलियम जेम्स के द्वारा, उन्हीं के प्रिंसिपल यानी उन्हीं के सिद्धांतों के द्वारा ये जो है वो साइकोलॉजी 1890 में हुई थी। टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ थॉट, जिसमें जो है उनके माइंड में जो थॉट आता था उसको डिस्क्राइब किया जाता था। इसके भी कुछ एग्जांपल है वर्जीना वुल्फ का टू द लाइट हाउस और मिसेस डोलवे जेम्स जॉयस का, ठीक है। इस तरीके से जो है वो इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। नाउ सेंटीमेंटल नोवेल। अब सेंटीमेंटल नोवेल क्या होता है? हमें सेंटीमेंटल कॉमेडी पढ़ी है, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है। वैसे सेंटीमेंटल का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ में सेंटीनेस आना, यानी कि जो नोवेल जो है वो उदासीन होगा। द सेंटीमेंटल नोवेल और द नोवेल ऑफ सेंसिबिलिटी इज द 18th सेंचुरी का ये नोवेल है विच सेलिब्रेट द इमोशनल, जिसमें इमोशनल कॉन्सेप्ट होता है, सेंटीमेंटल का कॉन्सेप्ट होता है, सेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, और जिसका हमारे पास एग्जांपल है सैमुअल रिचर्डसन, और ये सब जो है सबके एग्जांपल्स गिवन हैं। तो हमने कुछ नॉवेल्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएँ। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नोवल एज इट यूजुअली द केस विद अदर द थीम्स एसोसिएटेड विद द आर्ट्स एंड लिटरेचर, देर आर ग्रेट डिबेट्स अबाउट द डिफरेंशिएट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नोवल। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू एस्टैब्लिश सम दैट आर द कॉमन मोस्ट एक्सपर्ट्स। तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे कहा जाए तो लिटरेचर में नोवल के, तो यहाँ पे कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिखे गए हैं। तो सबसे पहले जो मेन करेक्टरिस्टिक है इसका, राइटिंग इन प्रोज, ये जो है यानी कि जो नोवल है वो प्रोज में लिखा जाता है, पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द नोवल इज राइटिंग इन प्रोज, सबसे मेन फीचर है ये। इट इज़ द टू से डैट इट इज़ नॉट रिटन इन पोएटिक फॉर्मेट, पोएम के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता है। दिस इम्पेल्स डैट इट लैक्स मेट्रिक रिदम रिपीटेशन, और मतलब इसमें बार बार कमी किस चीज़ की होती है, कोई भी लाइन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। इन वर्ड्स इन सम नॉवल्स लाइन कैन बी यूज इन वर्ड्स विद डिफरेंट एसेटिक पर्पज, हाउ एवर इन ऑल दीज केसेज इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड दैट द जनरल नॉलेज करस्पॉन्ड टू प्रोज एंड दैट द वर्ड्स इज यूज ओनली एज अ नरेटिव रिसोर्स। तो भाई बोला कि पोएम की तरह इसको बार बार यूज़ नहीं किया जाता है, ये एक प्रोज में लिखा जाता है, पैराग्राफ में लिखा जाता है। नाउ लेंथ, लेंथ की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये 60,000 से लेकर, यहाँ पे देख सकते हैं 60,000 से लेकर 200,000 तक के वर्ड्स में ये लिखा जाता है। तो लेंथ भी जो है इसका एक बहुत बहुत प्रसिद्ध फीचर है, ठीक है। एक्सटेंशन डिपेंड्स ऑन द जेंडर एंड द हिस्ट्री एट द टाइम विद द नोवल करेक्टर डिपेंड्स ऑफ। अब इसमें क्या होता है, लेंथ को बढ़ाने के लिए जो है करेक्टर्स का बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट किया जाता है। एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द बुक ऑफ द सागा ऑफ हैरी पॉटर। अब
अब एक बुक है, नॉवल है हैरी पॉटर की, वेयर विच वन ऑफ द नॉवल्स वाज लॉन्गर देन द प्रीवियस वन। इसमें जो है नॉवल्स बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लिखी गई थी। दिस इज बिकॉज द प्लॉट एंड द स्टोरीज ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, अ ग्रेटर एक्सटेंशन वॉज नेसेसरी। यानी कि कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता गया तो वो जो स्टोरी है वो बड़ी बनती गई। द लेंथ डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑथर, तो ऑथर कितना सेंसिटिविटी दिखाते हैं उस पर डिपेंड करता है लेंथ। हैज़ डिटरमाइंड हाउ नेसेसरी इज इट टू डेवलप अ थीम और अ करेक्टर। देर इज़ नो स्टैंडर्ड मेजर एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द इंटेंशनलिटी ऑफ इच सिचुएशन। तो हर सिचुएशन को किस तरीके से वो बयां करते हैं वो जो है ऑथर पे डिपेंड करता है। इस तरीके से लेंथ जो है वो नॉवल की बढ़ती है। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है नया विचार, ठीक है, नव परिवर्तन। देर इज़ नो रूल डैट डिटरमाइन दिस करेक्टरिस्टिक्स, हाउ एवर थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी द नॉवल हैज़ बीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनोवेशन। दैट इज टू से थ्रू दैम टू ट्रांजिट एंड बीन मेड टू न्यू वेज ऑफ डूइंग लिटरेचर। यानी कि ऐसा कोई रूल नहीं है जो इस विशेषता को निर्धारित करता हो। हालांकि हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी यानी कि इतिहास जो होता है मानवता का, उसमें जो उपन्यास उसमें लिखा जाता है यानी कि इनोवेट होता जाता है, कि मतलब हर बार का नॉवल जरूरी नहीं है सेम ही होने, यानी यू नो इनोवेशन होता है। इन फैक्ट हिज नेम इटसेल्फ स्पीक इनोवेशन, क्योंकि इसका नेम ही इनोवेशन है, नवीनता है। और इट बिकम्स फ्रॉम लैटिन लोनोवस मीनिंग यंग एंड न्यू। इसका मतलब होता है लैटिन में अगर देखा जाए तो, यानी कोई भी चीज़ का यंग और न्यू में मतलब नई जनरेशन आती है, न्यू जनरेशन आती है। विच रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस विद इन द वैंगार्ड ऑफ लिटरेचर फॉर ईच न्यू जनरेशन। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इनके माध्यम से साहित्य के नए तरीके की ओर परिवर्तन हुआ है, ठीक है, जब जनरेशन आगे इनोवेशन होता है तो। दिस कैन ऑल्सो बी यू सीन इन इट्स कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द सेंचुरी, अनलाइक अदर लिटरेरी जेनर। जब नया नया लिटरेरी जेनर यानी कि जनरेशन लिटरेरी आता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हैव रिमाइंड स्टेबल ओवर टाइम स्पेशली इन द रिलीजम ऑफ पोएट्री। अब अगला देखा जाए तो डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट यानी कि कथानक का विकास। यहाँ पे है द प्लॉट रेफर्स टू द इवेंट डैट अनफोल्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। दिस इज डिटरमाइंड बाय अ कॉन्फ्लिक्ट डैट राइज द ऑथर एंड अनफोल्ड थ्रू डिफरेंट सिचुएशन डैट लिव द करेक्टर ऑफ द वर्क। यानी कि कथानक उन घटनाओं को संदर्भित करता है जो पूरे इतिहास में घटित होती है। यह एक संघर्ष द्वारा निर्धारित होता है जो लेखक को उठाता है और विभिन्न स्थितियों के माध्यम से प्रकट होता है जो काम के पात्रों को जीते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ द नॉवल्स अलो द प्लॉट टू बी डेवलप्ड वाइडली गिविंग स्पेस टू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इन मैनी केसेज इवन द सेंट्रल प्लॉट इट्स सराउंडेड बाई अदर स्मॉल स्टोरीज दैट आर इंटरकनेक्टेड विद द मेन फैक्ट्स। यानी कि उपन्यास का विस्तार यानी कि जो भी हमारा ये है एक्सटेंशन होता है ना, डेवलपमेंट होता है हमारे नॉवल का, तो जो नॉवल का जो विस्तार है जटिल परिस्थितियों को जगह देते हुए कथानक को व्यापक रूप से विकसित करने की अनुमति देता है। क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों को बार बार जो है नई नई चीज़ों को सिचुएशंस को डालते हैं जिससे हमारा जो नॉवल है वो बड़ा होता जाता है। अब नॉवल्स में हैव फ्लोर्स ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी। दिस विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ करेक्टर एंड सिचुएशन डैट आर इंटरवाइंड टू शेप द फैक्ट। अब फैक्ट्स को बढ़ाने के लिए जो नॉवल्स है उसमें नए नए करेक्टर्स को ऐड किया जाता है। यानी कि कई मामलों में तो केंद्रित कथानक अन्य छोटी छोटी कहानियों से घिरा होता है जो मुख्य तथ्यों से जुड़ी होती है, यानी कि फैक्ट्स से जुड़ी होती है। इन एनी केस द क्वालिटी ऑफ अ नॉवल डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स प्लॉट, इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द ऑथर। कहीं ना कहीं जो ये है, ये कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्सिटी उपन्यास में क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता उपन्यास को बड़ा करने के लिए, नॉवल को बड़ा करने के लिए। वो बड़ा करने के लिए मैटर ज़्यादा क्या करता है, गुणवत्ता, यानी कि ऑथर की क्या गुणवत्ता है, ऑथर की क्या विशेषता है, वो कितना क्वालिफाइड है। यानी कि किसी भी मामले में किसी उपन्यास की गुणवत्ता उसके कथानक की जटिलता पर निर्भर नहीं करती, कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर नहीं करती है। वास्तव में यह लेखक की क्षमता पर निर्भर करती है कि वो कितना कैपेबल है, निर्भर करती है कि वह प्रत्येक तथ्य और प्रत्येक पात्र को कैसे विकास देता है, कैसे गहराइयों तक ले जाता है। अब अगर बात करें हम करैक्टर डेवलपमेंट की, तो करैक्टर यानी कि उस नॉवल्स के अंदर जो हम एक्सपीरियंस होता है तो उसमें कुछ कुछ करैक्टर्स होते हैं। तो थैंक्स टू द लेंथ ऑफ द इलास्टिक करैक्टरिस्टिक्स, तो हमें इसके लिए जो लेंथ का जो करैक्टरिस्टिक है उसको हमको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि लेंथ को बड़ा करने के चक्कर में जो है करैक्टर की जो है वो डेवलपमेंट होती है। अगर बात करती हूँ मैं अपने कहानी, अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैं बहुत कम लाइन में अपने आपको बयां कर सकती हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं अपनी मतलब बायोग्राफी को बड़ा करना चाहूँ तो उसमें मैं अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को भी ऐड करूँगी, अपनी मम्मी को ऐड करूँगी, अपने पापा को ऐड करूँगी, अपने भाई को ऐड करूँगी, अपने और रिलेटिव्स को ऐड करूँगी,
ताकि मेरी जो स्टोरी है वो बड़ी होती जाए। तो नोवेल को बड़ा करने के लिए जो है करेक्टर्स को ऐड करना पड़ता है, जिसमें जो है करेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है, तब स्टोरी जो है वो बड़ी होती जाती है, नोवेल जो है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो यही पूरा जो है इनकेस डैट इट इज रिफ्लेक्टेड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर, उनका जो लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर का होने से जो है वो करेक्टर डेवलपमेंट होता है। हाउ एवर द पॉसिबिलिटी ऑल्सो लीड द क्रिएशन ऑफ डीप करेक्टर्स विच इज द ऑथर मेक्स नोन बायोग्राफी डिटेल, जैसे कि बायोग्राफी को भी डिटेल में लिखा जाता है, वैसे ही इस तरीके से नोवेल का करेक्टर डेवलपमेंट का जो करेक्टरिस्टिक है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा श्रेय लेंथ को बढ़ाने के लिए जाता है, क्योंकि लेंथ को बढ़ाने के चक्कर में करेक्टर का डेवलपमेंट होता है। अब पब्लिकेशन प्रैक्टिस, द साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनी नोवल्स मेक्स इट नेसेसरी टू पब्लिश इंडिपेंडेंसी। पब्लिकेशन, अब वो जो पब्लिकेशन का क्या प्रोसेस है वो भी एक इसका एक विशेषता है कि जो नोवल है उसको फिर पब्लिश कहाँ किया जाएगा उसको भी पूरी डिपेंडेंसी है, इंडिपेंडेंसी है। दिस मेक्स अ बिग डिफरेंस विद अदर लिटरेरी फॉर्मेट सच एज पोएट्री और स्टोरी विच आर यूजली पब्लिश विद इन अ एंथोलॉजी और कलेक्शंस। तो ये एंथोलॉजीज और कलेक्शंस में पोएट्री और स्टोरी को जो है वो पब्लिश किया जाता है, लेकिन नोवल्स जो है वो इजिली पब्लिश हो जाती है। अब डाइवर्सिटी ऑफ सब जैनर, अब डाइवर्सिटी की बात करें तो ओवर टाइम द नोवल हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द इवॉल्व्ड इनटू द न्यू थीम्स अप्रोच्ड एंड एसेंथिक। तो क्या होता है, नोवल्स को जो है वो अब मान लो पहले टाइम में लिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले टाइम, वो जो जनरेशन के साथ नोवल्स लिखने का तरीका बदलता जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड होता जाता है। फॉर दिस रीजन एट द प्रेजेंट देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ, क्योंकि अब जनरेशन आगे बढ़ रहा है तो नोवेल्स जो हैं वो वैरायटीज के साथ, बहुत सारी वैरायटीज मिल रहे हैं नोवेल्स को लिखने के लिए। इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई अ नोवेल इन ओनली वन ऑफ देम, सो ईच सब जेनर एम्प्लॉय डिफरेंट नरेटिव टेक्निक्स, क्योंकि अब टेक्निक्स प्रेजेंट टाइम में टेक्निक्स बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, जिस वजह से जो है नोवेल्स जो हैं लोग ईजिली लिख रहे हैं और टेक्निक्स के साथ लिख रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल के साथ लिख रहे हैं, अपना खुद का टोन यूज कर रहे हैं, थीम्स यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल नोवेल यूज द नरेशन ऑफ रियल हिस्ट्रिकल, जैसे कि पहले हम हिस्टोरिकल नोवेल जो है लिखते हैं वो रियल हिस्ट्री के ऊपर लिखते हैं, बट नॉन्स्ड बाय फिक्शनल करेक्टर एंड इवेंट, दिस इज डन इन ऑर्डर टू प्रपज, लेकिन अब जो है वो काफी चीजें टेक्निकल चीजों से ही हो जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट द साइंस फिक्शन नोवल क्रिएट फ्यूचर सोसाइटीज बेस्ड इन ऑर्डर एंड टेक्नोलॉजीज दैट डू नॉट एग्जिस्ट, दिस विद पहले ये सब चीजें, अब जैसे बहुत सारी साइंस के थ्रू जो है वो सोसाइटी में नोवल लिखना आसान हो चुका है टेक्निक्स के थ्रू, लेकिन अब पहले की तरह द एम ऑफ द इलस्ट्रेटिंग करेक्टरिस्टिक टिपिकल ऑफ द करंट सोसाइटी थ्रू कंपेरिजन और हाइपरबोला, लेकिन पहले जो था वो ज़्यादा डिफिकल्ट था किसी भी चीज़ को हाइपरबोल, यहाँ पे हाइपरबोल है, ठीक है। तो पहले के अकॉर्डिंग जो है वो अब ईजी हो चुका है, साइंस आ चुका है, टेक्निक्स आ चुकी है, तो नॉवल्स अब बहुत ईजिली लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारा नॉवल्स था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।